हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, और जरा इसे देखिए और अब जरा ये भी देखिए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, द कॉपी कैट चाइना इज नाउ कॉपिंग रशिया, जिसके चलते जैसे आज यूक्रेन खतरे में है, वैसे कल को उठ के ताइवान का भी यही हाल होने वाला है, या कहूं ये हाल उनका ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्योंकि इफ देखा जाए तो चाइना ने पेट्रोलिंग के नाम पर 2021 में करीबन 1000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान पर उड़ाए थे, जहां कहीं ना कहीं ये भी रशिया से ही सिमिलर है। जैसे रशिया ने ड्रिलिंग का झूठा बहाना लेकर यूक्रेन पर इन्वेशन का प्लान बना लिया, सेम वैसे ही हो सकता है चाइना भी अपने उसी खास दोस्त के नक्शे कदम पर चलकर पेट्रोलिंग के नाम पर फ्यूचरिस्टिक वॉर्स के रिहर्सल्स कर रहा है। इनफैक्ट बीजिंग ने तो उसे नाम भी दे दिया है एज अ ट्रेनिंग अंडर रियलिस्टिक कॉम्बैट कंडीशंस। एंड टॉकिंग अबाउट बीजिंग, वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि रिसेंटली विंटर ओलंपिक्स में पुतिन ने बीजिंग में विजिट किया था, और न्यूज के हिसाब से तो ये माना भी जाता है कि तब उस दौरान दे अनवील्ड अ पैक्ट अगेंस्ट अमेरिका एंड द वेस्ट। सो इफ वो लोग अमेरिका और वेस्ट जैसे बड़े बड़े देशों के खिलाफ जा सकते हैं, तो ताइवान किस चिड़िया का नाम है। एंड उनकी प्लानिंग एंड इन दोनों देशों के दोस्ती के पीछे की साजिशों को आज मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ इन आवर टुडेस वेरियो टाइटल्ड। रशिया को देख चाइना भी कर रहा है ताइवान पर हमला। वेल, जैसे पुतिन यूक्रेनियंस की सोवरेनिटी नहीं हजम कर पा रहा है, बिल्कुल वैसे ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी ताइवान के साथ सेपरेटनेस नहीं हजम कर पा रही है। यही वजह है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है, और इसे ही देख चाइना भी ताइवान की ओर बढ़ रहा है। इनफैक्ट उसकी शुरुआत हो भी चुकी है, बात जनवरी 2019 की है, जब ताइवान के 40th एनिवर्सरी में चेयरमैन जी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा था कि वी चाइनीज शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, वी विल वर्क विद द ग्रेटेस्ट सिंसियरिटी एंड एक्सर्ट अटमोस्ट एफर्ट्स टू अचीव पीसफुल रीयूनिफिकेशन, बिकॉज दिस वर्क्स बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ द बोथ साइड्स एंड द होल नेशंस। बट उसके कुछ ही महीने बाद जी जिनपिंग ने एक और भाषण दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो ताइवान पर नेसेसरी मेजर्स उठा सकते हैं, एंड ताइवान उसकी मिलिट्री पावर्स को अंडर एस्टिमेट ना करे, उसी में भलाई है। जी हाँ, चाइना की खुली धमकी या कहो हिंट दे दिया इन्वेजन का डिलीवरिंग दैट स्पीच। एंड माइंड यू, चाइना ने यह सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, चाइना ने अपने मिलिट्री पावर्स का रौब दिखाना भी चालू कर दिया है। साल 2016 से ही ताइवान को उकसाने के लिए चाइना ने फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन उर्फ एडिस के ऊपर उड़ा रहा है। लास्ट ईयर के अक्टूबर महीने के बस 4 दिन के अंदर ही अंदर 149 चाइनीज फाइटर्स रोड थ्रू ताइवान आइडेंटिफिकेशन जोन, एंड टू द सरप्राइज 2021 में चाइना के 950 एयरक्राफ्ट सॉर्टीज हैव आल्सो रोड एट ताइवान, जिसमें से सिर्फ 4 अक्टूबर को ही 56 एयरक्राफ्ट उड़ाए गए थे। अब ये सब क्यों? क्योंकि यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है एंड वहां उनके आर्मी को ट्रेन कर रहा है। क्या ये चाइना को नहीं उकसाएगा कि उसका दुश्मन उसके एकदम बाजू में आ चुका है? प्लस वेस्टर्न मीडिया भी पीछे नहीं है चाइना को उकसाने के लिए। एग्जांपल के लिए बीबीसी न्यूज का ये आर्टिकल देख लो, जो ये साफ साफ कह रहा है कि व्हाई डू चाइनीज लीडर्स डाई देयर हेयर, उनका यूनिफॉर्म, उनका बालों का कलर सब सेम है, सब यंग दिखने का ट्राई है, जबकि वो असल में है नहीं। एंड नॉट जस्ट दिस, चाइना में 3% मेन एज्ड 18 से 29 एंड 13% ऑफ दोज इन 30s गंजापन के शिकार है। और चाइना की क्या बात करें हम, इंडिया में ही 46% मेन एज्ड बिटवीन 21 से 31 गंजेपन के शिकार है। पर आपको गंजेपन की इस गंभीर समस्या से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैन मैटर्स इंडिया का सबसे पहला डिजिटल हेल्थ क्लिनिक लेकर आया आपके लिए मैन मैटर्स DHT ब्लॉकिंग शैम्पू। ये एक ऐसा 2-in-1 शैम्पू है जो ना सिर्फ हेयर फॉल को होने से रोकता है, पर ये बालों के फॉलिकल्स यानी कि जड़ों को मजबूत करता है। अब इससे होता यह है कि मेन के हेयर फॉल का एक बड़ा रीजन DHT यानी कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसे साइंटिफिकली डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है। और DHT ब्लॉकिंग शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन करके उसे नरिशिंग इंग्रेडिएंट से ट्रीट करते हैं, साथ ही इसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स DHT को इफेक्टिवली ब्लॉक करते हैं, जो हेयर फॉल को रोकने का सबसे पहला कदम होता है। और इस शैम्पू को हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, फिर भले ही हेयर लॉस से बचना चाहो या फिर बालों को सुंदर और शाइनी बनाना चाहो। यही नहीं, अगर आप डैंड्रफ और खुजलाते हुए सर से भी परेशान हो, तो मैन मैटर्स के पास आपके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, जिसमें कीटोकोनाजोल होता है, जो एंटी फंगल एजेंट से लड़ने के लिए बेस्ट है, और ये क्लिनिकली प्रूवन भी है। और मैन मैटर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। फ्री कंसल्टेशन बुक करने के लिए या फिर इनके कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ नाउ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आखिर क्यों मैं आपको बहुत सारे नंबर्स बता रहा हूँ चाइनीज फाइटर जेट्स के? वेल, वो इसीलिए ताकि आप इस बात को समझ सको कि चाइना एयरक्राफ्ट को ताइवान में उड़ाकर उन्हें अपने मिलिट्री का पावर दिखाकर धमका तो रहा ही है, बट साथ में वो वॉर प्रैक्टिस भी कर रहा था।
लाइक इफ देखने जाओ तो चाइना ने हजार बार ताइवान पे अपने एयरक्राफ्ट चलाए, सो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने हजार बार फ्यूचर अटैक्स की रिहर्सल ऑलरेडी कर लिया है, सो दैट आगे इंस्टेंटली वॉर किया जा सके विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस टू। यही सब नोटिस करके एंड सब देख कर जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने चाइना को वॉर्न किया और ताइवान को अपना पूरा सपोर्ट देने की बात की, तो प्रेसिडेंट जी ने उन्हें अपना पावर दिखाते हुए खुला बोल दिया कि दे आर प्लेइंग विथ फायर। साउंड्स सिमिलर राइट? ऑफ कोर्स ऐसा ही सेम स्टेटमेंट रशिया के पुटिन ने भी कहा था, एंड उस फायर का पावर दिखाने के लिए चाइना ने ताइवान के डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में लास्ट ईयर 950 एयरक्राफ्ट चलाए थे। लेकिन एक मिनट, यूएस ताइवान को क्यों सपोर्ट कर रहा था? Well, जब से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी की लीडर ज़ाय इंग-वेन 2016 इलेक्शंस जीती, शी ऑफेंडेड चाइना बाय मेकिंग ओवरचर्स टू द यूएस, एंड ताइवान का चाइना को छोड़ यूएस के साथ नाता जोड़ना चाइना को पसंद नहीं आया। बट बिफोर ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन, चाइना और ताइवान की हिस्ट्री और चाइना किन बेसिस पर ताइवान को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है वो भी जरा जान लेते हैं। सो क्लेम का रीजन नंबर वन है चाइनीज रिकॉर्ड। चाइना की हिस्ट्री और उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ताइवान उनके रिकॉर्ड में 239 AD से मौजूद है, जब उस दौर के रूलर ने चाइना के लोगों को ताइवान के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए इस आइलैंड पर भेजा था। रीजन नंबर टू, ऑस्ट्रोनेशियन। ऑस्ट्रोनेशियंस ताइवान पर बसने वाले सबसे पहले ट्राइब के लोग थे जो आज मॉडर्न डे सदर्न चाइना के हिस्से में आते हैं। इसके अलावा चाइना ने 1683 टू 1895 किंग डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी ताइवान पर रूल किया है, और 17th सेंचुरी में होकलो चाइनीज और हाका चाइनीज ने चाइना टू ताइवान माइग्रेशन भी किया था। और हालांकि 1895 फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर से लेकर वर्ल्ड वॉर टू तक चाइना लॉस ताइवान्स कंट्रोल ओवर टू जापान, बट वर्ल्ड वॉर टू में जापान के सरेंडर के बाद यूएस और यूके एलाइज के कंसेंट के साथ चाइना ने ताइवान पर अपनी रूलिंग फिर से शुरू कर दी। बट दिस रूल डिडंट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि 1949 कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में जब माओ ज़ेडोंग कम्युनिस्ट आर्मी से बचकर कुओमिंटांग गवर्नमेंट ताइवान पहुंची थी, उसने ताइवान की भागदौड़ अपने हाथों में लेकर उसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दे दिया। और इसके बाद आई वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी ये क्या बला थी? दरअसल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना और ताइवान के बीच एक पॉलिसी साइन हुई थी नेम्ड एज वन चाइना पॉलिसी, मतलब कि दोनों अलग अलग जमीन पर रहकर भी एक ही सॉवरेन स्टेट है, सो उस हिसाब से ताइवान चाइना का पार्ट ही हुआ, इसीलिए चाइना कैंट इन्वेड इट। बट चाइना कहा अपनी हरकतों से बाहर आने वालों में से था। उसने 3rd सितंबर 1954 को पॉलिसी को तोड़ते हुए ताइवान पे अपने कदमों को रखा विद इट्स आर्म्ड फोर्सेस। सबसे पहले चाइना ने किनमेन आइलैंड पर कब्जा किया एंड उसके बाद यिजियांगशान पे, जिसके बाद ताइवान ने दाचेन आइलैंड को भी गवा दिया। एंड कुछ इस तरह से 1949 में द चाइनीज सिविल वॉर एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ चाइना, और उसके बाद 1992 में 1992 कंसेंसस हुआ, यानी कि टूटी हुई पॉलिसी को फिर से लागू किया गया। बट दिस टाइम चेंजेस ये थे कि वो दोनों एक सॉवरेन स्टेट तो बनेंगे बट गवर्नमेंट दोनों की अलग अलग बनेगी एंड कोई एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं करेगा। और अब हालांकि चाइना ने इस पॉलिसी को भुलाकर अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर रशिया को फॉलो करते हुए ताइवान को तबाह करने की ठान ली है, पर क्या चाइना के इस डिसीजन को बाकी कंट्रीज सपोर्ट करेगी? वेल, शायद हाँ और शायद नहीं भी, क्योंकि यूएस ताइवान के साथ खड़ा है। वो कभी वहां अपने कांग्रेशनल डेलीगेशंस को भेजता है, चाइना का क्रिटिसिज्म झेलता है, तो कभी खुद जो बाइडेन चाइना के ताइवान इन्वेजन की नौबत आने पर मिलिट्री इंटरवेंशन की बात करते हैं। पर ये सब सिर्फ 1979 ताइवान रिलेशंस एक्ट की वजह से हो रहा है। ये एक एक्ट था जिसके चलते वॉशिंगटन ताइवान को सपोर्ट करेगा विद डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, आर्म सेल्स, ओकेशनल मिलिट्री मैनूवर्स एटसेट्रा, क्योंकि बाइडेन के लेट 2021 में दिए मिलिट्री इंटरवेंशन की बात को भी जल्दी एक इंटरव्यू में बदल कर ये कहा गया था कि यूएस अपनी चाइना और ताइवान पॉलिसीज में कोई बदलाव नहीं ला रहा है। अब हमेशा से यूएस के इस वेग स्टैंड की वजह से रॉबर्ट एम गेट्स, अ फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी एंड CIA डायरेक्टर जो मिस्टर बुश और बराक ओबामा जैसे प्रेसिडेंट को सर्व कर चुके हैं, उनका कहना है कि यूएस को एक क्लियर स्टैंड लेने की जरूरत है, और शायद यूएस ने ये स्टैंड ले लिया है। तभी तो 2021 CNN इंटरव्यू में ताइवान प्रेसिडेंट ज़ाय इंग-वेन ने यूएस फोर्सेस के ताइवान में होने और ताइवानी सोल्जर्स को ट्रेन करने की बात कही है। लेकिन सिर्फ यूएस ही नहीं, यूरोप भी ताइवान की मदद कर सकता है। 2020 में EU पार्लियामेंट्रियंस के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ने चाइना को ताइवान के एग्जिस्टेंस राइट की रिस्पेक्ट करने के लिए कहा। 2021 में यूरोपियन पार्लियामेंट के ऑफिशियल डेलीगेशंस ने भी ताइवान विजिट किया था, और इसी तरह बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी बीजिंग को छोड़ ताइवान के साथ जुड़ रही है।
एग्जाम्पल के लिए लिथुएनिया, जिसने विल्न्यूस में ताइवान के न्यू डिप्लोमेटिक ऑफिस ओपन करने के ऑफर को एक्सेप्ट किया, और ये कंट्रीज ताइवान को मेजर साइबर स्पेस एड दे सकती है। साथ ही ऑकस पैक्ट, जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके को मिलिट्री एड देता है, जरूरत पड़ने पर ये उसकी मदद भी ले सकते हैं। पर सिर्फ ताइवान के ही दोस्त नहीं है, रशिया और चाइना भी किसी से कम नहीं है। तभी तो हर जगह बस एक ही का नारा है, रशियन चीनी भाई भाई, रशियन चीनी भाई भाई। अब आपने ये नारा सुना हो या ना हो, पर मैं आपको बता दूं कि चाइना और रशिया की यारी इन नारों की गूंज से भी कहीं ज्यादा गहरी है, जिसका एक मेजर रीजन है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर और रशिया के एनर्जी का रिसोर्स, जिसकी वजह से इन देशों को आगे बढ़ने वाले पुतिन और जी दोनों एक दूसरे पर ऐसे डिपेंडेंट रहते हैं जैसे किसी गाड़ी के दो पहिए। और शायद इसीलिए 25 फरवरी 2022 को चाइना प्रेसिडेंट जी ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ यूक्रेन के मामले पर बात करने पर सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन करने की बात को ही आगे रखा था, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम। जिसके चलते हम ये भी कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जब चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा, तब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी चाइना के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। उल्टा ताइवान को मदद करने वाले यूएस से दुश्मनी के चलते हो सकता है रशिया अपने दोस्त चाइना को उसके दुश्मन को हराने और अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए चाइना के साथ हाथ तक मिला ले। और अगर यूएस के बाद सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में शामिल होने वाले रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया, ये दोनों एक साथ हो गए, तो ताइवान की हार होने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। पर जितनी पक्की ताइवान की हार है, उतनी ही पक्की ये बात भी है कि ताइवान को बचाने में शायद यूएस और यूरोपियन नेशंस के साथ दूसरे देश भी शामिल हो जाएंगे। और अगर इस जंग में सभी देश शामिल हो गए, तो क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कहलाई जा सकती है? क्या ऐसा होना मुमकिन है? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या मामला और गंभीर होगा या मामला कूल डाउन हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में शेयर करना अपनी राय। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलरली यहां पर देखने मिलेगा। और फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए मैन मैटर्स वेबसाइट चेकआउट करना मत भूलना। विद दैट सेट, सी यू इन अनदर वन। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।